हेलो फ्रेंड्स, मुंकर होस्ट आउ दोस्त रोजी वेलकम करुच्छी मेट्रो बॉलीवुड अपडेट को। आसतु नजर पकड़ आज बॉलीवुड इंडस्ट्री किसी इंटरेस्टिंग गॉसिप उपर से क्रिकेट हे अबा फिल्म इंडस्ट्री गॉसिप सब बेले रही था हाइलाइट्स रे। किंतु एबे देखा मिली क्रिकेटर्स माने बॉलीवुड हीरोइन मानक एबे दीवाना। रिसेंटली वैलेंटाइन्स डे रे क्रिकेट स्टार विराट कोहली निजे लवर अनुष्का को करथिले विश जहाँ कि सोशल मीडिया रे हो जाइतला वायरल। आसंतु देखिबा हॉपरेकर विजुअल। वैलेंटाइन डे रे भारतीय क्रिकेट टीम रो अधिनायक विराट कोहली तांको बांधवी तथा प्रेमिका अनुष्का शर्मा को ट्विटर रे शुभेच्छा जनाइछंती। अन्य पक्ष रे अनुष्का तांको अपकमिंग फिल्म फिलोरी रो प्रमोशन पई व्यस्त थिबा बेले बॉलीवुड रो अन्य कलाकार माने वैलेंटाइन डे को धूमधाम रे सेलिब्रेट करिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो टीवी। लॉन्ग टाइम ब्रेक परे पुणी परदा ऊपर को फेरिछंती मुन्ना भाई। जेल रु फेरिबा परे से व्यस्त हो जाइछंती तांको नेक्स्ट फिल्म शूटिंग रे। तबे कोन रहिछे तांको नेक्स्ट फिल्म रो ना आसंतु जानिबा मोर एही रिपोर्ट रे। जेल रु मुकुलिबा परे संजय दत्त को अभिनीत फिल्म भूमि रो शूटिंग उत्तर प्रदेश रो आगरा रे आरंभ होइछि। साथरे अछंती अभिनेत्री अदिति राय खेत्री। एथिरे संजय को झियो भूमिका रे अदिति अभिनय करछंती। एहा एक भावनात्मक फिल्म बाप और झीर संपर्क को नहीं फिल्मर कहानी आगक बढ़ी। अगस्त 4 तारीख में भूमि रिलीज हो। भूमि निर्देशना देखते उमंग कुमार। यह पूर्व से मेरी कॉम निर्देशना देते प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिकार अभिनय करते। कपूर खानदान रे एबे सेलिब्रेट हो जाइछि पार्टी जहाँ कि रणधीर कपूर को 17th बर्थडे पार्टी। एही पार्टी रे करीना एंड करिश्मा पिंधिथिबा ड्रेस रे देखा जाउथिले खूब स्टनिंग। सब फिल्म स्टार उपस्थिति एही पार्टी को लगाइथिला चार चांद। आसंतु देखिबा हमर एही रिपोर्ट। रणधीर कपूर को 17th बर्थडे रे कपूर खानदान को द्वारा आयोजित होइथिबा एक पार्टी रे करीना कपूर, सैफ अली खान एवं तंकर दुई मासर बेबी बॉय ताइमर अली खान को सह उपस्थित होइथिले। एहा ताइमन कर फर्स्ट बिग कपूर खानदान पार्टी। एथिरे करीना ब्लू सलवार कमीज रे स्टनिंग देखा जाउथिबा बेले सैफ व्हाइट कुर्ता पैजामा रे देखा जाउथिले हैंडसम। एथिरे करिश्मा मध्ये बात पड़ी नाहंती। सैफ भी गोल्डन ब्राउन ड्रेस रे देखा जाउथिले ब्यूटीफुल। एही पार्टी रो किछि पिक इंस्टाग्राम रे शेयर करा जाइथिबार देखिबा को मिलिछि। यहाँ छड़ा एही पार्टी रे अमिताभ बच्चन, रेखा, रणबीर कपूर और मलाइका अरोरा आदि सिने तारका उपस्थित थिले। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो टीवी। नाउ इट्स टाइम फॉर अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। वी विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। जगतरनाथ जगन्नाथ को दर्शन करिबा पूर्वरु बडदांड रे पसरा मेलाइथिबा नुर्सिया स्वीट्स रो ताजा खजार मजा नियंतु। खजा भितरे बेस्ट सबुठू भारी टेस्ट एही नुर्सिंह स्वीट्स रो धूम मीठा खजा। देखिबा को जेमिति ताजा खाइबा को लागे सेमिति मजा। एठा को आसंतु आउ एही टेस्ट रो बेस्ट थिबा खजा को खाई जगन्नाथ को मन भरि दर्शन करंतु। ब्रेक परे आपण मानको पुणी थरे स्वागत। शाहरुख खान को नायिका साजिबा पई हीरोइन मानको मध्यरे लागी थाए लंबा लाइन। हेले ये कोन एठी तो कथा पूरा अलगा। कोडे हॉट हीरोइन दीपिका एंड सेक्सी हीरोइन कैटरीना को मध्यरे होईची फाइट। सेफ एक फिल्म रो हीरोइन हेबा कोने आसंतु एहा उपरे डिटेल इन्फॉर्मेशन हमर एही रिपोर्ट रे शेयरबा। बॉलीवुड रो दुई हॉट हीरोइन दीपिका पादुकोण एवं कैटरीना कैफ को भितरे एक फिल्म पाइबा को नहीं जोरदार लड़ाई चली छि। एही सिनेमा हला आनंद एल रायंक अनटाइटल फिल्म। एथिरे शाहरुख खान नायक भूमिका रे उछंती। प्रथमे एही सिनेमा रे नायिका चरित्र लागि दीपिका पादुकोण को ऑफर दिया जाइथिला। किंतु से निजर हॉलीवुड सिनेमा एक्स एक्स जेंडर कामरे व्यस्त थिबा हेतु ताकु प्रत्याख्यान करथिले। एहा परे प्रयोजक संस्था पक्षरु सेही ऑफर दिया जाइथिला सेक्सी कैटरीना कैफ को। से भी किछि समय नेइथिले। हेले निर्देशक आनंद एल राय कैटरीना को नेबापाई आपातत स्थिर करी सारिछंती। एकथा खबर पाइबा मात्रे दीपिका शाहरुख पाखरे पहुंची सेही फिल्म पाइबा लागि निजर व्याकुलता देखाइछंती। कारण तांको हातरे एबे पद्मावती व्यतीत अन्य सिनेमा नाही। तेणे दीपिकांक कथा सुनिबा मात्रे कैटरीना मध्य निर्देशक आनंद एल राय को सबुज संकेत देइछंती एवं शीघ्र साइन करबाकु व्याकुलता देखाइछंती।
ଦେଖାଯାଉ ଏହି ସିନେମାରେ ଶାହରୁଖଙ୍କ ନାୟିକା କିଏ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଠଗସ୍ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପରେ ଅମୀର ଖାନ୍ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ, ଯାହାକି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଫିଲ୍ମର ନେମ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଚେଞ୍ଜ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚେଞ୍ଜ ପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ନାଁ କ'ଣ ରଖାଯାଇଥିଲା ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ମହାକାଶଚାରୀ ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଲିଉଡ୍ ସିନେମା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ତେବେ ଏହି ସିନେମାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅମୀର ଖାନ୍ ନଜର ଆସିବେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିନେମାର ନାଁକୁ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ସିନେମାର ନାଁ ସାରେ ଜହାଁ ସେ ଆଚ୍ଛାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ସଲ୍ୟୁଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ 2018 ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେକୁ ସମସ୍ତେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କରିଥାନ୍ତି ସେଲିବ୍ରେଟ, ତ ଏଥିରୁ ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ବା କିପରି? ରଇସ୍ ଫିଲ୍ମର ସକ୍ସେସ୍ ପରେ କିଙ୍ଗ ଖାଁ ଶାହରୁଖ କିପରି ପାଳନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ସଦା ନିଆରା କାମ କରୁଥିବା ବଲିଉଡ୍ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇର ଜୁହୁ ବିଚ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ନିଜ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଆବ୍ରାହମ୍ଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ ଖାନ୍। ସେ ପୁତ୍ର ଆବ୍ରାହମ୍ଙ୍କ ସହ ଜୁହୁ ବିଚ୍ର ବାଲିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖେଳିବା ସହ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ କ୍ୟାପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟିଛୁ ତାହା ଜୀବନଯାକ ଆମ ସାଥିରେ ରହିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନିକଟରେ କିଙ୍ଗ ଖାନ୍ଙ୍କର ରଇସ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୁକ୍ତିଲାଭ ସରିଛି। ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାହୁବଳୀରେ ସେ ଅତିଥି କଳାକାର ଭାବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନଜର ଆସିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ୱେଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମୟ ତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ବଲିଉଡ୍ ସଫରକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆର ଏମିତି କିଛି ଚଟାପଟ ଅପଡେଟ୍ ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ହାଜର ହେବି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ଗୁଡ୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ କିପ୍ ୱାଚିଂ ଆୱାର ଶୋ।